खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए आपको बता दें आज एक अहम बैठक होने जा रही है और इसको लेकर अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कई हफ्ते तक माथापच्ची करने के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से अध्यादेश पर विचार करने का फैसला किया है। 2014 के आम चुनावों के लिए योजना को ब्रह्मास्त्र मान रही कांग्रेस, विपक्ष और सहयोगियों के विरोध के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना जल्द से जल्द लागू करने के मूड में है, लेकिन अध्यादेश आने के बाद भी मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा करानी होगी। खाद्य सुरक्षा कानून पर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में विरोध के सुर भी सुनाई दे सकते हैं। इससे इसके पारित होने पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले हफ्ते ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए लाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और वहीं यूपीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में है। वहीं लेफ्ट ने अध्यादेश लाने का विरोध किया है। किसान के हित का बिल नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो सत्य है तो समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। किसान के हित का बिल नहीं दिखाई दे रहा है, अगर वो सत्य है तो समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। खाद्य सुरक्षा के मामले में सरकार ऑर्डिनेंस ले आने से हम उसके खिलाफ हैं। पार्लियामेंट का सत्र अगले महीने शुरू होगा, उस समय ये बिल वहां पूरी चर्चा करने के बाद पास होना चाहिए। ऑर्डिनेंस का तरीका जो है ये गैर जनतांत्रिक है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर पार्लियामेंट को पूरी तरह बहस करने के बाद ही इस पर फैसला लेना चाहिए। ज्यादातर दल यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट पे इस पर पूरी बहस हो, उसके बाद ही इसे पारित करवाया जाए, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी और लेफ्ट भी विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाएंगी। अब जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी चूंकि बाहर से सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यादेश का विरोध किया जाएगा। मिथिलेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, सरकार ने तो पूरी तैयारी अध्यादेश लाए जाने की कर ली है, लेकिन यहां पर अब उनके सहयोगी दल भी इसके विरोध में हैं। जी बिल्कुल चित्रा, 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक 7 RCR पर होगी, पहले 10:30 में होनी थी। और दूसरी चीज, सिर्फ सहयोगी नहीं, बाहर से समर्थन दे रहे सहयोगी दल ही नहीं, सरकार के अंदर शामिल सहयोगी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की थी, कहा था कि खाद्य सुरक्षा बिल को पास करने के पहले लैंड एक्विजिशन बिल पर गौर करना जरूरी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं। और चूंकि खाद्य सुरक्षा बिल जैसे ही पास कर दिया जाएगा, खाने की गारंटी दे दी जाएगी, इसके बाद खाद्यान्नों की कमी आएगी और ये बहुत बड़ी चिंता होगी। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का, और कांग्रेस को लगता है कि इसके जरिए एक बार फिर से यूपीए को कामयाबी मिलेगी, इसलिए इस मामले में सरकार काफी तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है और ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही है। आज 11:30 कैबिनेट में इसकी मोहर लग सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुलकर कह दिया है कि इसका विरोध करेगी और अगर संसद में ये बिल आता है तो इसके खिलाफ वोट करेगी, यहाँ तक कि समर्थन वापसी की भी धमकी दी है। जाहिर है ये बिल सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर आगे बढ़ने के लिए सरकार तैयार नजर आती है। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आती है। क्या है फूड सिक्योरिटी बिल, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन मिथिलेश, अध्यादेश लाए जाने को लेकर कैबिनेट की ओर से तो इसे हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन आगे की राह अभी भी इस बिल की इतनी आसान नहीं रहने वाली है। जी बिल्कुल, दरअसल यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी चित्रा, जिसमें यह तय हुआ था कि पहले ऑल पार्टी मीटिंग होगी, लेकिन नक्सल पर ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। सरकार में भी दो राय है, पार्टी में भी दो राय है, पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो ऑर्डिनेंस को इसका कारगर उपाय नहीं मानते हैं। दरअसल मॉनसून सत्र में महज एक महीने दस दिन का ही वक्त रह गया है, 22 जुलाई से संभवतः मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में अब सरकार और कांग्रेस पार्टी में भी एक राय ये है कि मॉनसून सत्र में इसे पास कराया जाए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार सही मैसेज देती है तो यूपीए की हालत सुधरेगी। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों से कराती हुई पार्टी को एक उम्मीद है खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर, इसीलिए सहयोगियों के तमाम विरोधों के बावजूद सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहती है। चित्रा, चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश का विरोध तमाम सहयोगी दल ही सरकार के कर रहे हैं, देखना यही होगा कि आगे आने वाले वक्त में इस पर क्या राय बाकी दलों की रहती है।